gone. He looked a dead duck. So with Patel. Absolutely magnificent. Cody finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. शिवसेना अजमेर इकाई द्वारा गुरुवार को स्टेशन के सामने शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। सबसे पहले शिवसेना जिला प्रमुख मुन्नालाल शर्मा के साथ अन्य शिव सैनिकों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात सभी शिव सैनिकों ने छत्रपति शिवाजी के हिंदुत्ववादी सिद्धांतों पर एकजुट होकर चलने का संकल्प लिया। हमारे पूज्य छत्रपति शिवाजी की जयंती है, इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं और हमने सभी ने इनका माला अर्पण करके सम्मान किया है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख हुआ इस बात को जान करके कि कल शिवसेना वालों ने जाकर के नगर निगम मेयर से ये रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर व्याप्त अतिविरमण और यहाँ पर व्याप्त गंदगी को हटाया जाए। ये उन लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि कल शिवाजी की जयंती है, तो उससे पहले यहाँ पर सारी गंदगी को साफ करें, अतिक्रमण मुक्त होकर के इसका माल्यार्पण करें, इनका सम्मान करें। वहीं राजस्थान पूर्वी क्षत्रिय संस्था के द्वारा संरक्षक बलजीत सिंह और अध्यक्ष शेखर कटियार के सानिध्य में डिस्ट्रिक्ट कराटे डू एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मान सिंह की अध्यक्षता में छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवाजी पार्क स्थित प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर संस्था के वक्ताओं ने अपने विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपना रक्त बहाया है। उनकी याद में कुर्मी क्षत्रिय समाज हर वर्ष शिवाजी जयंती पर रक्तदान करता है, लेकिन इस वर्ष स्वाइन फ्लू की विकरालता से संक्रमण की आशंका के चलते रक्तदान का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अशोक सम्राट और हर्षवर्धन गुप्त काल के शासनकाल को लोग विस्तृत कर चुके थे। ऐसे में महाराष्ट्र की तलहटियों में से एक शेर और निर्भीक निर्द्वंद शेर विचरण करता हुआ बाहर आया, जिसे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व वीर शिवाजी के नाम से जानता है।